नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों के रक्षा के लिए बनाया जाता है, ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों, शारीरिक मानसिक शोषण, प्रताड़ना और हिंसा से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए जाते हैं। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत भी हुई है। कई महिलाओं को काफी मदद मिली, लेकिन जैसा कि हर कानून के साथ होता रहा है, इनके अंदर भी खामियां सामने आने लगी हैं। इनके दुरुपयोग शुरू हो गए हैं और कुछ पुरुष गलत तरीके से मामले में फंसाए जाने लगे हैं। अक्सर ऐसे पुरुषों की दास्ता हमारी जानकारी में आ ही नहीं पाते हैं और इसीलिए अक्सर कई पुरुष बेवजह उन मामलों में भी फंस जाते हैं जिनमें वो निर्दोष नहीं होते। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं और कानून को अपने हाथों में ले लेती हैं। महिलाओं को अपने हक के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। महिलाओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। दरअसल आज बात ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल फेमिनिज्म लड़कियों के सर पर चढ़कर बोलने लगा है। जी हाँ, हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है जिससे महिलाओं की बदसलूकी भी दिखने लगी है। दरअसल इसे बदसलूकी ही कहा जाएगा जो आजकल लड़कियां कर रही हैं, वो बेहद ही शर्मनाक है। एक तरफ तो देश की बेटियां ओलंपिक में जाकर विदेशों में अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ देश में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बेटियों का नाम खराब कर रही हैं। जी हाँ, यही कहा जाएगा कि नाम खराब कर रही हैं। दरअसल आज बात उस महिला की हो रही है जिसका विवाद तो किराए का था, लेकिन महिला ने हिसाब चप्पल से कर दिया, यानी कि थप्पड़ गर्ल के बाद अब आप लखनऊ की चप्पल वाली महिला से भी सावधान हो जाइए। जी हाँ, सावधानी ही बरतनी अब आपको पड़ेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर आपको पूरा मामला विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। के लखनऊ में एक बार फिर से ड्राइवर को थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल रक्षाबंधन के दिन एक महिला ने टेम्पो ड्राइवर को बीच चौराहे पर चप्पलों से पीट दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये घटना लखनऊ के टीडी पुलिया मेन चौराहे की बताई जा रही है। इससे पहले भी लखनऊ में प्रियदर्शनी नाम की महिला ने कैब ड्राइवर पर थप्पड़ बरसाए थे। उस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। रक्षाबंधन के दिन टेम्पो ड्राइवर की चप्पलों से पिटाई की गई और वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर ने टेम्पो में बैठे लोगों से किराया मांगा था। इस बात से दो युवक काफी नाराज हो गए। पहले तो उन्होंने ड्राइवर के साथ गाली गलौज की और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक टेम्पो चालक यात्रियों से किराया मांग रहा था, लेकिन टेम्पो में बैठे लोगों ने उसे कम किराया दिया था। जब उसने और पैसे मांगे तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मौके पर टेम्पो चालक को बचाते भी दिख रहे हैं, लेकिन महिला ने इतने में उसको पहले तो थप्पड़ जड़ दी और उसके बाद चप्पल से उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में अब तक किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। जिस समय महिला ड्राइवर से मारपीट कर रही थी, वहां मौजूद किसी शख्स ने इस घटना को चुपके से अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों प्रियदर्शनी नाम की महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। महिला ने बीच रोड पर कैब ड्राइवर पर एक के बाद एक करीब 22 थप्पड़ बरसाए थे। इस मामले में उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और एक बार फिर उसी तरह का मामला सामने आया है। किराया मांगने पर रक्षाबंधन के दिन एक महिला ने ड्राइवर को बुरी तरह से चप्पलों से पीटा है।
लखनऊ में महिलाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि थप्पड़ मारने का जो चलन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, हाल ही में प्रदर्शनी वाला मामला अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन लखनऊ में एक और वीडियो वायरल हो चुका है। ये मामला बताया जा रहा है लखनऊ के टेढ़ी पुलिया का। इस वीडियो में महिला टेम्पो चालक को चप्पल और थप्पड़ से उसको सबक सिखाती है। मामला पूरा तरीके से यही बताया जा रहा है कि किराए की नोकझोंक को लेकर इस कदर बात बढ़ चुकी थी कि चप्पल और थप्पड़ से ही सबक सिखाना उन्होंने मुनासिब समझा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से महिला टेम्पो चालक को चप्पलों से पीट रही है, यानी कि इस तरह की वीडियोस जो आजकल सामने आ रही है, इनको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लखनऊ में आपको रहना है तो इन महिलाओं से जरा सावधान रहना बहुत जरूरी है। और इस बार जरा फिर से देखिए ये वीडियो। तो वीडियो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आजकल लखनऊ से इसी तरह के तमाम वीडियोस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और हमेशा आपने सुना है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो ये आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन अब शायद ये कहना चाहिए कि घबराइए आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, जिस तरह से लखनऊ की महिलाएं अपना आपा खो रखी हैं, उससे तो यही कहना पड़ेगा कि घबराइए आप लखनऊ में हैं। और जैसा पिछले साल यूपी का कानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी काफी यूपी सुर्खियों में आया था, आजकल यूपी का लखनऊ भी इसी तरह से सुर्खियों में महिलाओं को लेकर बना हुआ है। कुछ दिनों पहले यह थप्पड़ कांड का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, और अब एक ये नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला एक टेम्पो चालक को चप्पलों से मारती दिख रही है। दरअसल आरोप है कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का सिपाही और एक होमगार्ड भी मौके पर मौजूद था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि वीडियो में दोनों टेम्पो चालक को बचाते हुए जरूर दिख रहे हैं, और आगे भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों ही होमगार्ड और एक सिपाही टेम्पो चालक को वीडियो में बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र के टीडी पुलिस चौराहे पर दो युवक एक महिला के साथ टेम्पो से उतरे थे। इन लोगों की टेम्पो ड्राइवर के साथ किराए को लेकर बहस हो गई थी, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग कम पैसे दे रहे थे जबकि ड्राइवर पूरा किराया मांग रहा था। पहले आप ये पूरी वीडियो देखें, फिर आपको पूरा मामला बताएंगे। तो देखा आपने ये पूरा वीडियो किस तरह से ऑटो चालक ने जब महिला से पैसे मांगे तो महिला ने चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस पूरी गहमागहमी ये बढ़ी तो महिला ने पहले टेम्पो ड्राइवर को चाटा मारा और फिर चप्पल निकाल कर उसे पीटने भी लगी। हालांकि वीडियो में मौके पर एक होमगार्ड और एक ट्रैफिक पुलिस के सिपाही भी दिखाई देते हैं, जो महिला और अन्य दो पुरुषों को शांत कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस दौरान ड्राइवर अपनी बात पुलिस को बताता भी दिख रहा है, और इस पर आरोपी गुस्से में उसकी और बढ़ता है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है, लेकिन महिला को पुलिस वाले रोक नहीं पाते और महिला अपनी चप्पल निकालती है और ड्राइवर को पीटना शुरू कर देती है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं और फिर महिला और दोनों पुरुष वहां से चले जाते हैं। चलिए लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, जिस तरह से पहले प्रियदर्शनी का वीडियो वायरल हुआ था और अब ये इस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है कि वो एक ऑटो ड्राइवर को चप्पलों से पीट रही है, ये लखनऊ की लड़कियों को आखिर हो क्या गया है? क्योंकि यही सवाल उठता है कि लखनऊ की लड़कियां जिस तरह से आजकल वायरल हो रही है, उन्हें हो क्या गया है?
रूबी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो बता दें आपको, ये पूरा मामला लखनऊ का है। रूबी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीते दिनों प्रियदर्शनी काफी वायरल हो रही थी अपने वायरल वीडियो को लेकर, लेकिन अब इन सब के बीच एक ये महिला लखनऊ की एक बार फिर से वायरल हो रही है। और महिला ने एक टेम्पो चालक को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो किराए के पैसे मांग रहा था। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें ये कहा जा रहा है कि पैसे वो लोग जो सवारी बैठी थी टेम्पो में वो कम किराया दे रहे थे, लेकिन जब चालक ने अपना पूरा किराया मांगा तो इस तरह से महिला ने उसे बदसलूकी की। रूबी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? रूबी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? शायद रूबी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। और ऐसे में ये लखनऊ का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि यातायात सिपाही शिव प्रकाश ने कहा है कि टेडी पुलिया चौराहे पर दो युवक और एक महिला टैक्सी से उतरे थे, और ऐसे में टेम्पो चालक का आरोप था कि किराया कम दे रखे हैं और उसने पूरा किराया मांगा था, और इस पर वो लोग झगड़ा करने लगे और इसके बाद बीच बचाव किया गया। इसी बीच चलिए एक बार फिर से हमारी ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं, रूबी सिद्दीकी का। रूबी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रूबी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, पर उस बोल। चलिए शायद एक बार फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, रूबी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इन दिनों लखनऊ की लड़कियों का कई वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं। पहले प्रियदर्शनी थी और अब एक बार ये चप्पल वाली महिला भी अब काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि टेम्पो चालक ने कोई शिकायत नहीं की है इस पूरे मामले को लेकर, और महिला और उसके साथी भी कहीं अब चले गए हैं। ये तमाम जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से दी गई है। वहीं DCP देवेश पांडे के मुताबिक बता दें कि विकास नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ये वीडियो सामने आया है जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक चालक की एक महिला ने जमकर पिटाई की है। हालांकि चालक की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी शिकायत नहीं की गई है, और अगर कोई शिकायत की जाती है तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करके वीडियो से आरोपियों की पहचान करने कर कोशिश की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और अब ये बता दें कि ये विवाद भी ऐसे समय में शुरू हुआ है जब पहले ही प्रियदर्शनी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। दरअसल टेडी पुलिया चौराहे पर तैनाती TSI विपिन राणा ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे खुरमन नगर की ओर से आ रहा एक टेम्पो टेडी पुलिया चौराहे पर रुका था, और इस दौरान चालक के साथ मौजूद उसका साथी भी भागते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास पहुंच गया और बोला कि टेम्पो में बैठी महिला और दो युवक तय किराया नहीं दे रहे हैं। उनसे विरोध किया तो वो लोग टेम्पो में ही उसे पीटने लगे। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि उसकी शिकायत सुनकर महिला ने उसे पकड़ कर पहले दो थप्पड़ जड़े और फिर चप्पल उतार कर उसे पीटने भी लगी। चलिए एक बार फिर से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी का रुख करेंगे। रूबी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, पारुल। पारुल, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। रूबी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी पारुल, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। रूबी, जिस तरह से ये अब चप्पल वाली महिला का वीडियो वायरल हुआ है, देखिए इससे पहले प्रियदर्शनी का वीडियो वायरल हुआ था, अब ये चप्पल वाली महिला का वीडियो वायरल हुआ है, आखिर ये लखनऊ की लड़कियों को हो क्या गया है? क्योंकि यही कहा जाएगा जिस तरह से हर रोजाना ये वीडियो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल पारुल, ये कहते हैं कि लखनऊ में जो महिलाएं हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वो बातों से नहीं चप्पल या थप्पड़ से बात करती हैं। जी, हाल ही में अभी मामला प्रदर्शनी वाला बिल्कुल भी थमा नहीं था, और अब ये नया जो रुख है वो अब विकास नगर जो थाना है यहाँ पे उसका मामला दर्ज हो चुका है। यहाँ का मेन एरिया माना जाता है टेरी पुलिया। टेरी पुलिया पे टेम्पो स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड के पास ये फैमिली वहां पे उतरती है, किराए को लेकर इतनी बात बढ़ जाती है, नोकझोंक इतना ज्यादा हो जाता है। उसके साथ जो उनका भाई जो था साथ में, उससे पहले टेम्पो वाले से बहस चलती है, फिर महिला
को बीच में आना पड़ता है, इस वजह से आना पड़ता है कि टेम्पो वाला जो था उसके साथ बाइक के मिसबिहेव कर रहा था। तो महिला के ताव इतने बढ़ जाते हैं कि उसने बातों से जवाब ना देकर सीधा चप्पल और थप्पड़ से टेम्पो वाले को जवाब देना ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन पारुल, ऐसे में बिल्कुल ये साफ कह सकते हैं कि लखनऊ में महिलाएं इस कदर हौसले बुलंद करके अब निकलती है कि कब मौका मिले, कब उनका जो जवाब देना पड़े वो निश्चित तौर पर थप्पड़ या चप्पल से देना। और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर अब आपको लखनऊ जाना है, खासकर किसी पुरुष को लखनऊ जाना है, तो वहाँ की महिलाओं से जरा सावधान होकर जाइए। बिल्कुल ठीक कहा पारुल, अगर लखनऊ आना है खासतौर से पुरुष प्रधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल तैयारी के साथ आए कि यहाँ की महिलाओं से बातों से वो जीत नहीं सकते हैं, खामोशी का ही इख्तियार करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सीधा जवाब अगर उनको मिलेगा यानी कि उनके हिसाब से अगर उनका जवाब नहीं होगा महिलाओं के लिए तो उनको चप्पल या थप्पड़ का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये लगातार ये दूसरा वायरल हो चुका है मामला लखनऊ का, ऐसे में जो और रूबी प्रियदर्शनी वाले मामले को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि इसी बीच ये और मामला एक और सामने आ गया है। बिल्कुल पारुल, योगी सरकार का दावा यही था कि महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। हाल ही में भी मिशन शक्ति का भी उन्होंने योजना जो थी उसको उन्होंने तैयार किया था। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि महिलाएं वाकई में इस योजना का फायदा ज्यादा उठा रही है? क्योंकि अदब और नजाकत और नफासत की नगरी लखनऊ कहा जाता है, लेकिन अब ऐसे में खुलेआम लड़कियां थप्पड़ चला रही है, या ये कह सकते हैं मूल जबानी जहां बात हो सकती है वहां पे चप्पल और थप्पड़ का सहारा ले रही है। तो महिलाएं जो है वो दबंगई जरूर कर रही है यहाँ की लखनऊ की। अगर हम खासतौर से बात करें टेम्पो चालक किराए को लेकर बहस चल रही थी, फिर उसके बाद अगर आप बात करें प्रदर्शनी की बात करें तो कैब ड्राइवर को लेकर इस तरीके से मामला सामने आया था। तो लगातार ये दूसरा मामला है लखनऊ का, ऐसे में यहाँ की जो कमिश्नर है उनसे हम बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उनसे बात होते ही ये पता लग जाएगा कि भाई इस तरीके से जो वीडियो वायरल होते हैं ऐसे में योगी सरकार की तरफ से क्या वाकई में कुछ सख्त कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल रूबी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें लखनऊ का प्रियदर्शनी के बाद एक और मामला सामने आया है जहां पर महिला अपने हाथों में चप्पल लेते हुए नजर आ रही है। और जरा सोचिए कि अब एक टेम्पो चालक जो मेहनत करके अपना घर चलाता है और अपने चंद रुपयों के लिए दिन रात टेम्पो चलाता है कि किसी तरह वो अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन यूपी खासकर लखनऊ की लड़कियों को पता नहीं क्यों इन पुरुषों पर जरा शराफत से काम करना पसंद नहीं आ रहा है। और क्यों इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए। और इसी तरह की घटना है जो आजकल सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर कई सवाल उठना भी लाजमी है। तो देखिए लखनऊ से ये एक और मामला सामने आया है जब एक बार फिर से एक महिला चप्पल लेते हुए अपने हाथों में दिख रखी है और एक टेम्पो ड्राइवर को पीट रखी है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि अपने हक के लिए लड़ना और अपने हक के लिए आवाज उठाना और अपने हक के लिए बात कहना गलत है, ये सभी सही है, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना एकदम गलत है और ऐसे निर्दोष लोगों को बेवजह खुद सजा देना भी एकदम गलत है। और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है ये बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि अक्सर देखिए लड़कियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहा जाता है, अपनी बात रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर लड़कियां और महिलाएं इस तरह से अपनी बात रखेंगी और इस तरह से कानून को अपने हाथों में ले लेंगी तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि लखनऊ में खासकर देखिए यूपी में हालांकि ऐसी घटनाएं और जगह भी होती हैं, लेकिन आजकल जो लखनऊ से इस तरह की वीडियो आ रही है ये कई सवाल जो है वो महिलाओं के ऊपर खड़ी करती है। क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार हो केंद्र सरकार हो वो महिला सुरक्षा के तमाम वादे करती है, लेकिन जब अगर इस तरह से महिलाएं इस तरह से कानून अपने हाथ में लेंगी और इस तरह की वीडियो महिलाओं के जो सामने आएंगे वो कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि देखिए इस पूरे मामले पर इंस्पेक्टर विकास नगर आनंद कुमार तिवारी का कहना है कि वायरल वीडियो टीडी पुलिया चौराहे का है और रुपए के विवाद में मारपीट होने की बात सामने आ रही है। हालांकि चालक या महिला ने पुलिस से इस पूरे मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं की है, यानी कि देखिए महिला ने
तो बदसलूकी चालक के साथ करती, लेकिन चालक ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है और पुलिस भी यही कह रही है कि अगर किसी भी तरफ से कोई मामला दर्ज कराया जाता है तो वीडियो को आधार बनाकर इस पूरे मामले में आरोपी को पकड़ा जाएगा और आगे की इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जरा ये सोचिए कि एक टेम्पो चालक जो अपनी मेहनत करके अपना घर चलाता है और चंद रुपयों के लिए दिन रात टेम्पो चलाता है कि किसी तरह वो कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन यूपी खासकर लखनऊ की लड़कियों को क्यों इन पुरुषों का पर जो शराफत से अपने पैसे कमा रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा, क्यों इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए। और इसीलिए इसी तरह के ये वीडियो सामने आते हैं जो महिलाओं के ऊपर कई सवाल भी खड़ा करते हैं और इस तरह की घटनाएं जो आजकल सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर कई सवाल भी अब उठने लगे हैं। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।